हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हरियाणा का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है हरियाणा में कृषि। ठीक है, हमारी सीरीज़ का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आज हरियाणा जीके का, वो क्या होगा, हरियाणा में कृषि। ठीक है, तो सभी को पता है हमारा जो हरियाणा है कृषि प्रधान देश है, भारत भी कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो लगभग मैक्सिमम जो जनता है वो किस पर डिपेंड है, हमारी कृषि पर डिपेंड है। ठीक है, तो कृषि पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हर एक को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड होता है, तो उसी तरह से कृषि का भी आपका बोर्ड होता है, हरियाणा कृषि बोर्ड। ठीक है, तो उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अगस्त 1969। ठीक है, हरियाणा कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1 अगस्त 1969, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कृषि, तो हरियाणा में मुख्यतः दो प्रकार की कृषि की जाती है, रबी और खरीफ, और इन दोनों के बीच में भारत में अगर भारत की बात करें तो जायद की भी फसलें भी बोई जाती हैं, जिसे हम चारा फसल भी कहते हैं। ठीक है, तो हरियाणा में मुख्यतः दो बोई जाती है, रबी और खरीफ। ठीक है, तो रबी की जो फसलें हैं उनको हम देखेंगे और खरीफ की जो फसलें हैं उनको देखेंगे, ट्रिक से एक ही ट्रिक में हम देखेंगे कि सारी की सारी जो फसलें हैं आपकी कैसे याद करनी है। तो कृषि से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं, या तो एक क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड आपका हो गया। ठीक है, तो कोई भी नाम दे देगा फसल का, पूछेगा ये कौन सी फसल है, रबी की है ये या खरीफ की है। ठीक है, और उस फसल में मुख्य यानी कि प्रथम जिला कौन सा है उसको बोने के लिए, यानी उसके उत्पादन में। ठीक है, तो दो तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम कृषि, दो प्रकार की बोई जाती है आपकी, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें। तो रबी सभी को पता है आपका गेम होता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में सर्दी चल रही है तो सभी क्या करते हैं, आराम से कंबल ओढ़ के क्या करते हैं, गेम खेलते हैं रबी का। तो रबी का गेम खेलते हैं, सर्दियों में कोई चुरा ले गया तो अब कौन खेलेगा रबी का गेम। ठीक है, तो चुराई गेम सर्जी। ठीक है, यानी कि रबी खेल रहे थे सर्दी में बैठ के और उनका गेम किसी ने चुरा लिया। ठीक है, चुराई गेम सर्जी। तो ये रबी की फसलें सारी कौन सी हैं, इन सब में आपकी कौन सी फसलें आ गई, चुराई गेम सर्जी। ठीक है, बात करेंगे हम तो रबी की जो फसलें हैं आपकी सर्दियों में बोई जाती है, सर्दियों में बैठ के खेलते हैं आप रबी का गेम। ठीक है, तो रबी की फसलें जो बोई जाती हैं आपकी वो सर्दियों में यानी कि अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती हैं। ठीक है, और अप्रैल मई में ये काट ली जाती है। ठीक है, रबी की फसलें, इन फसलों को हम आषाढ़ी फसलों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आषाढ़ी, ये आपको ध्यान रखना है रबी की फसलों के बारे में। पहले रबी की बात करेंगे उसके बाद हम खरीफ की बात करेंगे। ठीक है, तो रबी का आप गेम खेलते हैं सर्दियों में बैठ के कंबल में। ठीक है, और तो कुछ काम नहीं है आपको, रात जैसे हुई कंबल लेके बैठ के और रबी का गेम खेलना स्टार्ट कर दिया और वो गेम किसी ने चुरा लिया। तो चुराई गेम सर्दी से याद रखेंगे, तो चय से आपका क्या बनेगा, चना। राई से आपका बनेगा राई। गे से आपका बनेगा गेहूं। ठीक है, सारी की सारी रबी की फसलें हैं आपकी। मै से आपका बनेगा मटर। ठीक है, सर से आपका बनेगा सरसों। सरसों, और जी से आपका बनेगा जौ। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो फसलें हैं आपकी, कौन सी फसलें हैं, ये आपकी रबी की फसलें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चुराई गेम सर्जी, चना, राई, गेहूं, मटर, सरसों, जौ। तो आपसे पूछेगा जो राई की फसलें हैं कौन सी फसलें हैं, एग्जाम में दे देगा रबी की, खरीफ की, जायद की, इनमें से कोई नहीं, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, रबी की। कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और कब काटी जाती है, अप्रैल मई में, और ये कौन सी फसलें होती हैं आपकी, आषाढ़ी की फसलें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इनमें जो उत्पादन में नंबर वन पर है वो कौन सा है। ठीक है, तो वो भी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं खरीफ, रबी की आपकी सारी फसलें होगी चना, राई, गेहूं, मटर, सरसों, जो। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, सारी की सारी फसलें आपकी इसमें आ गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी खरीफ की फसलें, तो खरीफ की आपकी फसलें कौन सी होती हैं, इनको हम सावनी फसलें भी बोलते हैं, यानी कि बरसात की आवश्यकता पड़ती है इन फसलों को, यानी कि सावन बोलते हैं, सावन भी बोलते हैं हरियाणा में, तो इसलिए इन्हें सावनी फसलें बोलते हैं, सावन में ये बोई जाती हैं। ठीक है, खरीफ की फसलें। अब ये बोई कब जाती है, सावन सबको पता है, बरसात का मौसम कब होता है हमारा, जुलाई में। ठीक है, जून जुलाई में होता है तब ये फसलें बोई जाती हैं, और ये कब काट ली जाती हैं, सितंबर।
यानी कि जब इन फसलों के बोने का समय आता है अक्टूबर में, उससे पहले ठीक है सितंबर में ये काट ली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, तारीख भी पूछी जाती है कब बोई जाती है और कब ये काटी जाती है। ठीक है, तो खरीफ की फसलें आपके दो क्वेश्चन हो गए, सावनी की फसलें बोलते हैं कब बोई और कब काटी जाती हैं, और ये खरीफ की फसलें आपकी कौन कौन सी हैं आपको याद रखना है। तो इसमें आपको याद रखना है मगध बाबर को अति जवाब दो, ठीक है ये लाइन आपको याद रखनी है। इसी लाइन में सारी की सारी फसलें आपकी जितनी भी हैं खरीफ की आपकी इंक्लूड है। कैसे, मगध बाबर को क्या दो, अति जवाब दो। ठीक है, तो मैं से आपका क्या बनेगा, मक्का, मैं से आपका मूंगफली भी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग, तो गे से आपका एक गे यहां था तो गे से आपका बन गया गेहूं, जो मुख्य फसल है आपकी रबी की, और इस गे से आपका बनेगा गन्ना। ठीक है, गन्ना। द से आपका बनेगा धान, जिसको हम चावल बोलते हैं, धान मुख्य फसल है आपकी चावल, ठीक है खरीफ की। नेक्स्ट है बाबर, ठीक है तो बाबर से क्या बनेगा आपका, बाजरा, बा से आपका बनेगा बाजरा, या फिर बाड़ी भी बोलते हैं, जिसको हम कपास बोलते हैं बाड़ी, ठीक है हरियाणा वालों को पता होगा बाड़ी, ठीक है कपास। नेक्स्ट है को आप छोड़ दो, आ से बनेगा अरहर, और तय से बनेगा तिल, ठीक है आ से अरहर तैसे तिल, और जवाब से बनेगा आपका, यानी कि जो ज है उससे आपका बन जाएगा जवार। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी मुख्य फसलें हैं आपकी खरीफ की। ठीक है, मगध बाबर को अति जवाब दो, तो ये सारी फसलें आपकी कौन सी हैं, खरीफ की। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, गन्ना आपकी कौन सी फसल है, सावनी भी दे देगा या फिर खरीफ भी दे देगा, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में दे देगा, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये तो थी बात विभाजन की, कृषि आपकी दो प्रकार की होती है हरियाणा में, रबी में कौन सी आती है, खरीफ में कौन सी आती है, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ये आपकी अलग अलग फसलें हैं इनमें उत्पादन में नंबर वन पर कौन सा जिला है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, सबसे पहले तो हम सिरसा के बारे में बात करेंगे, पांच फसलों में नंबर एक पर है, सबसे ज्यादा जो आपकी फसलें बोई जाती हैं सिरसा में पांच है जिनमें वो नंबर एक पर है, तो उसको कैसे याद रखेंगे आप, सिरसा वाले, सिरसा पांच फसलों में नंबर एक पर है सिरसा। ठीक है, पांच फसलों में, तो जीएफ के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, सभी को पता है जीएफ के चक्कर में जो पढ़ गया तो उसका सिर चकराएगा ही चकराएगा। ठीक है, तो कैसे, जीएफ के चक्कर में, जीएफ के चक्कर में सिर चकरा जाता है। ठीक है, जीएफ के चक्कर में पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, सिर चकरा जाएगा। ठीक है, जीएफ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तो इसलिए पांच कौन कौन सी फसलें हो गई, गै से आपका बनेगा गेहूं, जी से गेहूं, एफ से आपका बनेगा फ्रूट यानी कि फल, नंबर एक पर है सिरसा, के से आपका बनेगा कपास, ठीक है यहां पर लिख देता हूं मैं कपास, ए से आपका बनेगा अलसी, और चै से आपका बनेगा चना, और सिर से आपका हो गया सिरसा, यानी कि सिरसा है इन पांच फसलों में, एक दो तीन चार पांच, इन पांच फसलों में सिरसा नंबर एक पर है। कोई भी आपसे पूछ ले गेहूं में नंबर वन जिला कौन सा है, सिरसा, फ्रूट में या फल में कौन सा है, सिरसा। ठीक है, तो पांच फसलों में नंबर एक पर आपका कौन सा हो गया, सिरसा हो गया। ठीक है, तो यानी कि वो पांच कौन कौन सी हो गई आपकी, गेहूं, ठीक है गेहूं यहाँ पे हो गया, कपास आपका हो गया यानी कि बाड़ी, कपास में भी नंबर एक पर कौन सा है आपका, सिरसा। नेक्स्ट है अलसी में हो गया, और चना में, चना में भी आपका कौन सा हो गया, सिरसा। ठीक है, राई, अब बात करते हैं इनके अलावा जो बचा है उनमें से कौन सा क्वेश्चन आपका मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चना पूछा जाता है आपका, सिरसा हो गया, गेहूं पूछा जाता है आपका, गेहूं में भी हो गया सिरसा। ठीक है, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा गेहूं में तीसरे नंबर पर है। ठीक है, पहले नंबर पर यूपी है आपका, दूसरे नंबर पर पंजाब है, तीसरे नंबर पर कौन है, हरियाणा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, गेहूं आप में है इस तरह दिखा है आपको, ये तीन जैसा दिख रहा है आपको उल्टा। ठीक है,
तीन जैसा, तो हरियाणा गेहूं के उत्पादन में तीसरे नंबर पर है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है मटर, आपका नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट पूछा जाता है सरसों के उत्पादन में, ठीक है, तो दो हैं आपके, भिवानी और महेंद्रगढ़, ठीक है, नंबर एक पर आपका महेंद्रगढ़ है, ठीक है, ये याद रखना है महेंद्रगढ़। ये दो जिले हैं जो सरसों के उत्पादन में नंबर वन पर है। नेक्स्ट है जौ, तो जौ में आपका है अंबाला, सभी को पता है घरों में हमारी जौ बनाती है माँ, ठीक है, कहते हैं ना माँ जौ बना दे, तो क्या कौन बनाती है, अम्मा, इस तरह से याद रखेंगे, जौ कौन बनाती है, अम्मा, तो अम्मा से आपका बनेगा अंबाला, ठीक है। तो ये हो गई आपकी चना, राई, गेहूं, मटर, सरसों, जौ, सभी होगी। सिरसा की आपको याद रखनी है, जीएफ के चक्कर में सिर चकरा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मक्का, तो मक्का में उत्पादन में नंबर एक पर है अंबाला, यमुनानगर, जो मैक्सिमम आपकी बोई जाती है अंबाला और यमुनानगर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गन्ना, तो सभी को पता है गन्ने में बोने के लिए आपको पानी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है, तो पानी हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यमुना नदी में है, ठीक है, तो यमुना से आप याद रखेंगे यमुनानगर, ठीक है। तो गन्ने के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और पानी कहाँ पर है, यमुना में, तो यमुना से क्या याद रखेंगे, यमुना नगर। नेक्स्ट धान यानी कि चावल में, तो चावल में कौन है आपका, करनाल, ठीक है, तो करनाल को हम क्या बोलते हैं, धान का कटोरा, यानी कि चावल का कटोरा बोलते हैं, इसको याद रखना है। करनाल का जो बासमती चावल है, खाड़ी देशों में भी आपका निर्यात होता है, ठीक है, चावल का कटोरा बोलते हैं इसको, ठीक है, चावल का कटोरा। और गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है आपका, सिरसा, तो सिरसा को हम क्या बोलते हैं, गेहूं का कटोरा, गेहूं का कटोरा सिरसा, चावल का कटोरा आपका करनाल। और संयुक्त रूप से चार आपके ज़िले हैं, कौन कौन से, करनाल, कुरुक्षेत्र KU, केथल और जींद, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन मिलेगा चार, ये चारों को हम क्या बोलते हैं, धान का कटोरा, ठीक है, तो धान का कटोरा हम करनाल, कुरुक्षेत्र, केथल और जींद को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बाजरा, बाजरे के उत्पादन में नंबर एक पर है आपका भिवानी, तो ब से बाजरा और ब से आपका भिवानी, इस तरह से याद रखेंगे, ब से बाजरा, ब से भिवानी, ठीक है। बाड़ी कपास में आपका हो गया कौन सा, सिरसा, और हरड़ आपका पूछा नहीं जाता, तिल भी आपका नहीं पूछा जाता है, और उसके बाद जो पूछा जाता है आपका जवार, तो जवार में र है, तो र से याद करेंगे रोहतक, ठीक है, मैक्सिमम जो उत्पादन होता है आपका जवार का रोहतक में होता है, ठीक है। तो ये जितने भी आपके क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, यही आपके कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लिए, ठीक है, जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको इन्हीं में से, जो मैंने करवाया है इन्हीं में से ही मिलेगा, ठीक है। तो ये थे कृषि के जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। जायद की आपको पता है रबी की और खरीफ के बीच में बोई जाती है, यानी कि इनके बीच में कौन कौन सा महीना बच गया, अप्रैल, यानी कि मई, जून, जुलाई, तीन चार महीनों में आपकी जायद की फसलें बोई जाती हैं, जिसमें आपका तरबूज आता है, खीरा, ककड़ी, ठीक है, जो खाने के लिए होती हैं, आपकी चारा फसलें भी हम इनको बोलते हैं, तो इनके बीच में उनका क्या होता है, उगाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कृषि में सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी फसल उगाई जाती है, तो कौन सी उगाई जाती है, आपकी गेहूँ सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, और दूसरे नंबर पर आपकी उगाई जाती है चावल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, और जितना भी आपका कृषि का मैंने बताया है यही आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है, थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही।